12009 मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस का सर्विस आज से लगभग 25 साल पहले 1 मई 1994 को शुरू किया गया था। तो करें शुरू आज का जर्नी इस गेम में। तो जल्दी से आप लोग सीट में बैठ जाइए और अपने कमर कस ले, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार एक्टिविटी और जर्नी इस गेम में शुरू होने जा रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रेलवे गेम स्टार। और आज जर्नी का शुरुआत बस होने ही वाला है, एक्शन का शुरुआत भी होने ही वाला है। यहां पे कुछ सुपर फास्ट एक्सप्रेस का क्रॉसिंग चल रहा है, जिसका कि वेब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हो सामने ICF ट्रेन है। और अभी हम लोग फिलहाल वापी स्टेशन में हैं। मैं F6 ऑन करके आपको दिखाता हूँ। F6 ऑन करने से प्लेटफॉर्म्स के जो नेम होते हैं वो आपको दिखाई देने लगता है इस गेम में। ये देखिए, ये वापी स्टेशन में, इस स्टेशन से हमारा जर्नी का शुरुआत होने वाला है बस। और यहाँ पे देखिए, एक डीजल टूवर्ड सूरत का एक फ्रेट ट्रेन खड़ी है, जिसका कि वैग 9 लोकोमोटिव के साथ में ग्रीन वैग 9 लगा हुआ है। ये रेड कलर का वैग 9 लोकोमोटिव अगर आप में से किसी ने कभी रियल वर्ल्ड में देखा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और कुछ सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पर स्टेशन में रुक चुकी है और हमको अभी तक सामने जाने का सिग्नल मिला नहीं है। अभी तक रेड सिग्नल दिखा रहा है हमको। अब देखते हैं कब तक हमको सिग्नल मिलता है, उसके बाद हम लोग डिपार्ट करेंगे इस वापी स्टेशन से। और एक और फ्रेट ट्रेन आ रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेट ट्रेन टूवर्ड्स वापी, मतलब इस ट्रेन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो वापी तक ही है। जो फ्रेट ट्रेन सामने आ रही है आपको दिख रहा है EMD लोकोमोटिव के साथ में। ये देखिए कितना शानदार ट्रैक चेंज हो रहा है। अच्छा, 2 EMD लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें। ये कौन सा फ्रेट ट्रेन है? ये बॉक्स एंड HL वैगन्स के साथ में एक फ्रेट ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है। और अभी हम लोग कुछ ही देर में डिपार्ट करने वाला है। जैसे ही ये फ्रेट ट्रेन ट्रैक्स क्लियर कर देगी हमारी, हम लोग तुरंत डिपार्ट करेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा था, ये फ्रेट ट्रेन हमारे ट्रैक्स के ऊपर से आ रही थी, तो इस स्टेशन में आके इसको लूप लाइन में कर दिया गया और यहाँ पर हमारा सिग्नल क्लियर मिल चुका। आपको दिख रहा होगा सामने ग्रीन सिग्नल मिला है हमको। चलिए फिर डिपार्ट करते हैं हॉर्न वगैरह बजा के। ये मैंने ब्रेक्स रिलीज कर दिया, अब मैं हॉर्न बजाता हूँ। थ्रॉटल थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम डिपार्ट करते हैं धीरे धीरे पहले। अब दूसरा हॉर्न भी मैं एक बार बजा देता हूँ। तो शताब्दी एक्सप्रेस का जर्नी मैं काफी दिन बाद आज चला रहा हूँ, शताब्दी एक्सप्रेस। देखते हैं गाइस कैसा रहता है आज का हमारा जर्नी। हाँ, लेकिन आपको आज भरपूर आनंद मिलेगा एक्शन का, एक ट्रेन क्रॉसिंग्स के एक्शंस का, ओवरटेक्स का और भी पता नहीं क्या क्या। इसके लिए आपको इस वीडियो के साथ में बने रहना पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि आज का ये जो एक्टिविटी है ना, ये पता है किसने बनाया है? ये मिस्टर अग्रण्य अनिल जी ने बनाया है। अगर इनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट बिल्डर है। तो अगर आपको ये एक्ट डाउनलोड करना है तो आप ज़रा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे के रखा है। तो वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके इनसे ये एक्ट ले सकते हैं। और आपको अभी भी दिखेगा, ये देखिए मैसेज भी आ गया। क्या बोल रहा है? हेलो ALP एंड LP, प्लीज़ फॉलो द स्पीड लिमिट्स एंड बी अवेयर ऑफ रेड सिग्नल्स बिकॉज यू विल गेट देम टू। एंजॉय द एक्टिविटी विथ मेनी ओवरटेक्स एंड क्रॉसिंग्स। ठीक है, हैप्पी जर्नी, रिगार्ड्स अग्रण्य अनिल। थैंक यू जी मिस्टर स्टेशन मास्टर, मिस्टर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। चलिए फिर हम रिज्यूम करते हैं। तो आज का हमारा जो लोको मिला है वो है वैब फाइव, जिसका रोड नंबर 30025 है। WAP 5 लोकोमोटिव गाजियाबाद शेड का है, जो कि एक ऑफ लिंक है।
अब इसका रेगुलर लिंक क्या है आप ज़रा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। ऑफ लिंक से खेलते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आज की जर्नी में। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं और आगे मैं आपको इस ट्रेन के बारे में और भी जानकारी देता रहूँगा, तो वीडियो के साथ में ज़रूर से बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, आपको दिख रहा होगा, काफ़ी मस्त नज़ारा है आसपास में। सामने एक ट्रेन आ रही है 1228 इंदौर मुंबई सेंट्रल दुरंतो। अच्छा, एक दुरंतो का क्रॉसिंग हो रहा है, ये देखो हॉर्न मारते हुए ये दुरंतो एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है। और ये दुरंतो के लिवरी में WAP 7, ये यार आजकल दिखना ही बंद हो गया है। क्या यार इसको क्या बंद कर दिया गया है क्या? अगर आपको पता है इस बारे में कुछ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस गेम में देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये दुरंतो लिवर्ड का WAP 7, और अगर आपने इसको रियल वर्ल्ड में देखा है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। अभी तो फिलहाल पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है और स्पीड लिमिट 130 का है, तो चलिए फिर किसका वेट कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से 130 पे उठा देते हैं ट्रेन को। मैं थ्रॉटल को ऑलमोस्ट 100% पे कर चुका हूँ और अभी साइड के ट्रैक्स में सिग्नल रेड है, मतलब अभी कोई ट्रेन का क्रॉसिंग नहीं होने वाला, बट बहुत जल्द होगा। मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। और अभी यहाँ पे हो रहा है एक हमारे एक बस के साथ में पैरेलल रन चल रहा है, जो कि रियल वर्ल्ड से काफ़ी मिलता जुलता, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी मैंने ऐसा कई बार देखा है जहाँ पे हाईवे और ट्रैक्स एक साथ में जाते हैं वहाँ पे आपको ऐसे बस के साथ में पैरेलल रन टाइप का चीज़ दिख जाएगा। तो आज हम लोग जो रूट खेल रहे हैं ये वेस्टर्न बे रूट है। और गाइस WAP 5 भी काफ़ी ख़तरनाक एक्सेलरेशन कर रही है। WAP 5 का यार क्या है ना, अगर छोटा ट्रेन होता है ना तो ये काफ़ी जल्दी एक्सेलरेट कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए सामने से ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है 12240 जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस, ये भी हॉन्क मारते हुए क्रॉस कर रही है, दुरंतो लिवर ट्रेन है ये भी। वैसे ये दुरंतो एक्सप्रेस है क्या, क्योंकि वहाँ पे नेम में दुरंतो वगैरह कुछ लिखा नहीं हुआ था, दुरंतो या फिर नॉर्मल एक्सप्रेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। खैर छोड़िए, हमको तो अभी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, 130 का एक्शन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ऑलरेडी हम लोग 121 के स्पीड पे पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में हम लोग 130 तक पहुँच जाएंगे। ये लोको से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारा लोको पायलट जी, हॉर्न बजा देता हूँ मैं, अब मैं आपको दूसरा वाला हॉर्न बजा के दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा लगता है, ये वाला हॉर्न। चलिए हम लोग 130 तक पहुँच चुके हैं, अभी थ्रॉटल को हम लोग पूरा डिक्रीज कर देते हैं। और सामने ट्रैक्स देखिएगा इस कैसा लग रहा है, कितना मस्त ट्रैक्स लग रहा है, हल्का सा कर्व वाला ट्रैक्स आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। समझ में आया आपको कि किस तरह का ट्रैक्स था वो? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि गेम और रियलिस्टिक बन जाता है। अरे यार हमारा 131 का स्पीड उठ चुका है, थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं थ्रॉटल को। तो गाइस ये जो हमारा ट्रेन है ये मुंबई सेंट्रल से सुबह के 6:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट करती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 इसका डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म है, और कभी कभार अगर किसी और रीज़न से प्लेटफॉर्म चेंज भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल डिफ़ॉल्ट जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म 1 ही होता है। और आपको ये अहमदाबाद तक पहुँचा देती है दोपहर के 12:45 पर, और वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म 1 पर इसको अराइव करवाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक लेवल क्रॉसिंग को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, हॉर्न बजा देते हैं। हॉर्न आपको सुनाई दे रहा था क्या गाइस? अच्छा ये कौन सा स्टेशन अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं, दिखा नहीं कौन सा स्टेशन। अभी हमको येलो सिग्नल मिला है तो जल्दी से हमको स्पीड डिक्रीज करना पड़ेगा और ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, और सामने सिग्नल भी हमको रेड दिखाई दे रहा है। तो गाइस हम लोग जल्दी जल्दी से जो है स्पीड को रिड्यूस कर लेते हैं, और WAP 5 ब्रेकिंग में भी काफ़ी कमाल का है, आपको सामने दिख रहा होगा कि कितना जल्दी जल्दी इसने 130 के स्पीड से पूरा 70 तक उतार दिया स्पीड को, वो भी कुछ ही सेकंड्स में, 5 से 6 सेकंड्स लगा होगा इसको उतारने में। अच्छा अभी साइड के ट्रैक्स में सिग्नल ग्रीन हो चुका है, अब देखते हैं किस ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है। ये देखिए यहाँ से नज़ारा कैसा लग रहा है, और ये हम लोग आ गए अभी इंटीरियर में,
अच्छा पहले मैं ट्रेन को रोक देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगा। स्पीड को और रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, रेड सिग्नल आपको सामने भी दिख रहा होगा। तो बस अभी हम लोग सामने में जाके रुक जाएंगे। चलो गाइस फाइनली हम लोग रुक चुके हैं रेड सिग्नल के पहले। अब देखना ये है कि कब तक हमको सिग्नल मिलता है यहाँ पे। तो यार यही है, इनका एक्ट ऐसा है ना कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे क्रॉसिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा और आप काफ़ी सारे ट्रेन्स को ओवरटेक भी करेंगे। बिल्कुल रियल वर्ल्ड वाली फील आपको आएगी अगर आप इनके एक्ट्स खेलोगे। तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग जल्दी से जाओ, उनसे कॉन्टैक्ट करो और ये एक्ट ले लो। काफ़ी अच्छा एक्ट है, आपको दिख ही रहा होगा कि कितने सारे क्रॉसिंग्स अब तक हमको देखने को मिल गए। सामने से कोई ट्रेन आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देखा था, तो मुझे यहाँ से अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वेट करते हैं अभी हम लोग। हमारा ट्रेन आप लोग देख लो कैसा लग रहा है, ये वैप 5 लोकोमोटिव। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CLW से ये लोकोमोटिव है शायद, है ना? हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है CLW 60 ग्लोरियस ईयर्स सिंस 1950। सो 1950 से ये CLW कंपनी काम कर रही है और हमें और इंडियन रेलवेज़ को इतने बेहतरीन लोकोस प्रोवाइड कर रही है। और ये मॉडल गाइस काफ़ी रियलिस्टिक बनाया गया है। अभी तक तो हमको सिग्नल नहीं मिला है पर देखते हैं कब तक मिल जाता है सिग्नल। और हमारे इस ट्रेन का जो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आवर का है, जो कि आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। 130 का एक्शन मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ और आगे और भी दिखाने वाला हूँ। और इसका एवरेज स्पीड 79 किलोमीटर पर आवर का है। तो सामने से गाइस मुझे ट्रेन दिखाई देने लगा है, एज मैंने आपको कहा था कि सिग्नल मैंने ग्रीन देखा था। सो 19578 जामनगर तिरुनवली ई, ई या एक्सप्रेस क्या लिखा हुआ, अच्छा ई का एक्सप्रेस का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है ई। तो देखते हैं किस लोगों के साथ में ये ट्रेन आ रही है। और गाइस हमको तो काफ़ी देर से सिग्नल नहीं मिला है, पता नहीं और कितना देर तक रुकना पड़ेगा। और इस रूट का भी सीनरी काफ़ी अच्छा है और ये रूट बिल्कुल फ्री रूट है। वेस्टर्न बे इसका नेम है, आपको trainsim.com में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा रूट है, आपको तो मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया। और वेस्टर्न बे रूट में मैंने पहले और भी वीडियोस डाले हुए हैं, तो हो सके तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। हाँ लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लो, उसके बाद आप लोग कुछ भी कर सकते हो। वैसे यार मैं बोलने वाला तो कोई नहीं होता हूँ आपको कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, मैं जस्ट ऐसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि मज़ा तो आपको आएगा ही, क्योंकि यहाँ तक तो आपको मज़ा आना ही चाहिए क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारे क्रॉसिंग दिखाया और क्रॉसिंग्स भी काफ़ी रियलिस्टिक थे और सीनरी भी आपको दिखाया। तो मुझे लोको का साउंड सुनाई देने लगा है, डीजल लोकोमोटिव है, 19578 जामनगर तिरुनलवेली एक्सप्रेस। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये फ्रेट है, फ्रेट WDM3 है, LDH का ट्विन WDM3 के साथ में क्रॉसिंग चल रहा है, कोल वाली फ्रेट ट्रेन है। क्रॉसिंग काफ़ी शानदार लग रहा है गाइस, आप लोग देखो कैसा लग रहा है। और गार्ड जी है कि नहीं, गार्ड जी कहाँ गए, गार्ड जी यार निकलते नहीं है यार इनको, यार मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया है ना, ईगो हो गया, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं आजकल। अच्छा तो सामने मुझे लगा था ये ट्रेन हमको पहले क्रॉस करेगी, लेकिन नहीं, एक्चुअली ये ट्रेन को साइड में रखा गया था तो वहाँ से इसको मेन लाइन पे परमिट किया गया, जिसके चलते हमको रोक दिया गया है। वैप 7 के साथ में इस ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, जिसका कि P7 साइड फॉन्ट लोकोमोटिव लगा हुआ है। देखे यार कैसे हमारे ट्रैक से इस ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको दिख रहा है अच्छे से, ये देखिए ये सीधा वाला ट्रैक हमारा है, तो यहाँ से इस ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है, जिसके चलते हमको रेड सिग्नल दे के रखा गया था।
अभी सिग्नल मिल जाएगा, रुकिए इसका क्रॉसिंग क्लियर करने दीजिए, फिर हमको सिग्नल मिल जाएगा। अब मिलना चाहिए सिग्नल, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी लंबी ट्रेन है यार, लगता है 24 कोचेस की होगी। चलो सिग्नल मिल चुका है फाइनली, और पूरा ग्रीन सिग्नल मिला है। तो अभी हम लोग ब्रेक्स रिलीज करके फिर डिपार्ट करेंगे। रिलीज करते हैं ब्रेक्स को। चलो गाइस फाइनली हम लोग डिपार्ट कर चुके हैं। और यार एक्ट का तभी मज़ा आएगा जब इस तरह के क्रॉसिंग्स होंगे, आपको सिग्नल के पहले रोक दिया जाएगा और आपके सामने से ही किसी ट्रेन का आपके ट्रैक्स के ऊपर से क्रॉसिंग होगा। तो यार ये सब चीज़ें ना बिल्कुल रियल वर्ल्ड से कंपेयर किया जा सकता है, तो जिसके चलते एक्ट खेलने में मज़ा आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी से जाइए, अगर आपको ये एक्ट लेना है तो ज़रूर से ले लीजिए, काफ़ी शानदार एक्ट है यार, मुझे तो मज़ा आ गया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस एक्ट को पहले टेस्ट कर लिया, तो मुझे पता है कि कैसा क्रॉसिंग्स है कैसा नहीं है। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी सुबह के 8:41 हो रहे हैं, 8:41 अभी टाइम है इस गेम में, रियल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। रियल वर्ल्ड में तो यार आप तक जब ये वीडियो पहुँचेगा शायद 7 या 8 बजे होंगे, 8 नहीं बजे होंगे, लेकिन शाम के 6:30 या 7 बजे तक मैं वीडियो डाल दूँगा। अभी मैं एक्सेलरेट करता हूँ जल्दी से जल्दी, मैं थ्रॉटल को 60% पे रखूँगा। अभी ट्रैक साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा अच्छे से, और एक और ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है। यहाँ से मुझे स्मोक दिखाई दे रहा है, काफ़ी ख़तरनाक स्मोक दिखाई दे रहा है यहाँ से मेरे को। और वैप पाइप के जो हॉर्न्स होते हैं वो काफ़ी, उनका वॉल्यूम जो होता है काफ़ी लो होता है। तो 22994 महुआ बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस WDM3A लोकोमोटिव के साथ में, LHB वाइड विंडोज़ वाले रेक इसमें लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये AC कोचेस जा रहे हैं और क्रॉसिंग्स काफ़ी शानदार लग रहा है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देखो हॉर्न का सिंबल दिया हुआ था, हॉर्न का साइन बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं जल्दी से हॉर्न मार देता हूँ। पूरा ग्रीन सिग्नल हमको मिला है, अभी मैं थ्रॉटल को पूरा 100% पे कर दूंगा ताकि हम लोग जल्द से जल्द 130 के स्पीड तक पहुंच पाए। और साइड में देखो काफ़ी सारे बिल्डिंग्स वगैरह, ये लेवल क्रॉसिंग। सामने कोई एक स्टेशन आ रहा है, कौन सा स्टेशन है, उदवड़ा। उदवड़ा स्टेशन को भी हम लोग स्किप करने वाले हैं, फ्लैट 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। साइड के ट्रैक्स पे सिग्नल येलो हो चुका है, तो अब एक और ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है। तो यहाँ पे कोई एक स्टैटिक कंसिस्ट मुझे दिख रहा था, पता नहीं कहाँ, अच्छा वहाँ पे था, मैं आपको वो बाद में दिखाता हूँ, पहले ये क्रॉसिंग आप लोग देख लीजिए। 19262 पोरबंदर कोचुवेली वीकली एक्सप्रेस वैप 4 लोकोमोटिव के साथ में इसका क्रॉसिंग चल रहा है, ICF कोचेस के साथ में ये ट्रेन क्रॉस कर रही है हमको। क्रॉसिंग कैसा लग रहा है गाइस मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता देना, क्योंकि आप लोग कमेंट्स बड़ा कम करते हो, तो कमेंट्स आपको करना चाहिए ना। अभी मैं आपको एक और कैमरा एंगल से मैं आपको शॉट दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो कैसा लगा गाइस क्रॉसिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। गाइस इस बार थोड़ा देर हो रहा है स्पीड तक पहुंचने के लिए, इसके पहले हम लोगों ने जब एक्सेलरेट किया था तो यार बहुत ही जल्दी इसने एक्सेलरेट किया था। एक और ट्रेन आ रही है, 19056 जोधपुर वलसाड वीकली एक्सप्रेस वैप 4 के साथ में, ये भी LHB के अवतार में है, इसके भी वाइड विंडोज़ थे। और गाइज हम लोग 132 पे पहुंच चुके हैं, थ्रॉटल को डिक्रीज करना पड़ेगा। छोटा सा एक ब्रिज है, इस ब्रिज से मैं आपको क्रॉसिंग दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है।
ये देखिए, इस ब्रिज से जो क्रॉसिंग है वो इस तरह का लग रहा है। ये नज़ारा कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो गाइस हमारा जो अगला हॉल्ट है वो है सूरत। सूरत पे हमको रुकना है, बट ये एक्टिविटी का पार्ट वन है, तो यहाँ पे सूरत तक हम लोग नहीं पहुँचेंगे, सूरत के बिल्कुल पहले हम लोग रुक जाएंगे। होपफुली वलसाड पे हमको रुका जाएगा, वलसाड पे हमको रुका जाएगा। अब देखते हैं, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा, है ना। और यार नज़ारा कितना शानदार है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से अच्छा, एक और ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, 12479 सूर्य नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मैं आपको यहाँ से क्रॉसिंग दिखाता हूँ। हॉन्क मारते हुए ये ट्रेन क्रॉस कर रही है हमको, EMD लोकोमोटिव के साथ में, ICF लिवरी के साथ। और सामने का स्पीड लिमिट 90 का आ रहा है। पता नहीं कोई टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन हो सकता है या फिर परमानेंट भी हो सकता है। पर्डी स्टेशन को भी हम लोग स्किप कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड में एक WDM 3D आपको दिखा था। चलिए हम लोग 90 के अंदर में आ चुके हैं। और यहाँ से नज़ारा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। ये एक लेवल क्रॉसिंग को अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। पूरा लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है इस लेवल क्रॉसिंग में, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए गार्डन कितना शानदार है गाइस, ये देखिए। मैं आपको गार्डन भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैं आपको गार्डन दिखाता हूँ पहले अच्छे से। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये गार्डन का नज़ारा कितना शानदार करके रखा गया है, ये देखिए। और लेवल क्रॉसिंग खुल चुका है। चलिए हम लोग ट्रेन को पकड़ लेते हैं। आप देखिए हल्का सा कर्व है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। सामने से एक और ट्रेन आ रही है, 12489 बीकानेर दादर वेस्टर्न सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया भिल्डी, WDM 3D के साथ में। 3D था या 3A था पता नहीं, हल्को लोकोमोटिव था बस इतना पता है। ICF राजधानी आप लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे, तो मुझे वो भी बनाना पड़ेगा, बहुत ही जल्द मैं बनाऊंगा ICF राजधानी का वीडियो। बट इस एक्ट में यार क्रॉसिंग देख के यार मज़ा आ गया आज यार। आप यार इतने अच्छे अच्छे क्रॉसिंग डालते हो ना, मतलब इसका यार कोई जवाब ही नहीं, इतने अच्छे आप एक्ट बनाते हो। आग्रण्य अनिल जी, मैं आप ही को कह रहा हूँ, काफ़ी मस्त एक्ट बनाते हो आप, खेलने में मज़ा आ जाएगा। ये अभी फर्स्ट क्लास में अभी हम लोग हैं, ये फर्स्ट क्लास का इंटीरियर है। हाँ पता है रियल वर्ल्ड जैसा पूरा तो नहीं है, मगर मैच कर रहा है, हल्का फुल्का मैच ज़रूर से कर रहा है कि नहीं। एक और ट्रेन आ रही है गाइस सामने से। अच्छा 130 का स्पीड लिमिट मिल चुका है, मैं देख नहीं पाया आपसे बातें करते करते, मैं भूल गया देखना। सामने एक हल्का सा कर्व है, लाइट सा कर्व है, बिल्कुल लाइट सा कर्व। और अतुल स्टेशन को भी हम लोग करने वाले हैं स्किप, ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 12960 भुज दादर वेस्टर्न सुपरफास्ट एक्सप्रेस का क्रॉसिंग चल रहा है, EMD लोकोमोटिव के साथ में, ICF कोचेस के साथ। ये जा रहे हैं AC कोचेस। हाँ गार्ड जी हमको ग्रीन फ्लैग दिखाते हुए चले गए। और ये देखो अतुल स्टेशन में अभी हम लोग एक ट्रेन को ओवरटेक मार रहे हैं। ये कौन सा ट्रेन है, ICF लिवरी के साथ में है, 17204 काकीनाडा पोर्ट भावनगर एक्सप्रेस, जिसका कि VAP 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। ये देखिए ये वेटिंग पे खड़ी है, और लोको पायलट हमको ग्रीन फ्लैग दिखाते हुए सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं। आपने देखा होगा, नोटिस किया कि नहीं आपने। अच्छा एक और लेवल क्रॉसिंग इस रूट में, यार लेवल क्रॉसिंग में काफ़ी लंबा लंबा जैम लगने लग गया है, आपको दिख रहा होगा जैम बड़ा मस्त लगता है इस रूट में। चलो बस अभी हम लोग 130 की स्पीड में दोबारा पहुँचने वाले हैं। और गाइस यही तो मज़ा है कि नहीं, यही तो मज़ा है एक ट्रेन चलाने वक्त, या फिर आप ट्रेन कोई जर्नी कर रहे हो कोई ट्रेन का, तो वो ट्रेन एक बार उसके मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड को अटेन कर लेती है तो काफ़ी मज़ा आता है। फिर कुछ देर में सिग्नल रेड हो जाता है, फिर ट्रेन का स्पीड स्लो हो जाता है, फिर सिग्नल मिलते ही ट्रेन दोबारा एक्सलेट करती है और वापस से मैक्सिमम स्पीड तक पहुँचा देती है। तो 12934 कर्णावती एक्सप्रेस का क्रॉसिंग चल रहा है,
काफ़ी तेज़ी से क्रॉसिंग चल रही है, बिल्कुल 130 पे जा रहा है। ये क्रॉसिंग आपको कैसा लगा? अरे धमाकेदार क्रॉसिंग था पूरा, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ गया, भरपूर आनंद आ गया इस क्रॉसिंग का मेरे को। तो गाइस यहाँ पे हॉर्न बजाने का सिंबल दिया हुआ है, मैं हॉर्न बजा देता हूँ। सिग्नल भी ग्रीन दे के रखा है। लेवल क्रॉसिंग है सामने, ये लेवल क्रॉसिंग बंद नहीं हुआ क्या? ये देखो यहाँ पे जैम, देखो यार कितना लंबा जैम लगा हुआ है, सारे के सारे लेवल क्रॉसिंग में काफ़ी लंबा जैम लगता है। तो सामने से एक और ट्रेन आ रही है, तो और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि सामने जो है वलसाड स्टेशन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे गंध आ रही है वलसाड स्टेशन की। फॉरेस्ट टाइप का कुछ बनाया गया है। साइड के ट्रैक्स में सिग्नल डबल येलो है, और ये कौन सा ट्रेन आ रही है ज़रा हम देखते हैं कि कौन सा ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला है साइड से। 12990 अजमेर दादर वेस्टर्न सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इस ट्रेन का क्रॉसिंग चल रहा है यहाँ पे। अरे यार ये नेम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, इसका क्रॉसिंग मैं पहले देख चुका हूँ क्या? पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, बट ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था ये नेम। तो चलो गाइस हम लोग बस वलसाड पे पहुँचने ही वाले हैं। मैं ब्रेक्स लगा देता हूँ, और सामने सिग्नल भी अभी हमको येल्लो मिला है। येल्लो सिग्नल का मतलब हमको स्पीड रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा डबल येल्लो मिला है, डबल येल्लो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 तक शायद रख सकते हैं हम लोग स्पीड को। तो जल्दी से हम लोग ब्रेक्स लगा देते हैं, और ये हमारे लोको पायलट साहब, ये देखो मेरे को यहाँ से वलसाड नेम दिखाई दे रहा है। अच्छा ये सिग्नल अभी येलो है, इसका मतलब अभी हमको स्पीड को और रिड्यूस करना पड़ेगा। येलो सिग्नल के बाद वाला सिग्नल रेड होता है, तो येलो सिग्नल पे हमको स्पीड को अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 तक रखना पड़ता है, शायद रियल वर्ल्ड में शायद 30 से 40 के बीच में रखता है, मुझे ठीक से पता नहीं है, मैं बस ऐसे अंदाज़ा से बता रहा हूँ। अगर आपको पता होगा कि रियल वर्ल्ड में जब येलो सिग्नल मिलता है तो उस वक्त कैसा स्पीड रखते हैं लोको पायलट ट्रेन का, तो वो मुझे कमेंट्स में बता देना, अच्छा लगेगा मुझे जानकर। बस वलसाड स्टेशन पे अभी हम लोग एंटर कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए वलसाड, स्वागत है आप सभी का वलसाड स्टेशन में, और इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आप सभी ने तो देख ही लिया कि एक्ट कितना ज़्यादा शानदार बना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना आपको कैसा लगा ये एक्ट। ये एक्टिविटी का पार्ट वन है, अगर आपको पार्ट टू भी देखना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं आपको पार्ट टू भी दिखा दूंगा। बस अभी हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ थ्रॉटल को, और ये जो ट्रेन है गाइस ये टोटल इसका 7 स्टॉप्स है, मुंबई से अहमदाबाद तक आपको ये टोटल 7 स्टॉप्स से गुजरते हुए आपको पहुँचा देती है। तो बस हम लोग ब्रेक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। रेड सिग्नल मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। बस हम लोग रुकने ही वाले हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको वलसाड का नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए एक फ्रेट का क्रॉसिंग चल रहा है, ये क्रॉसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए गाइस कैसा लग रहा है। ये वाले फ्रेट वैगन्स अगर आपने रियल वर्ल्ड में देखे हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। ये भी काफ़ी लंबी फ्रेट ट्रेन है, और यहाँ पे इस साइड में वैग फाइव ए, ट्विन वैग फाइव ए यहाँ पे वेटिंग पे खट, सामने आपको दिख रहा होगा रेड सिग्नल, हॉपर स्टोन वाली गुड्स ट्रेन है, और यहाँ पे एक छोटा सा कोच केयर यार्ड है शायद, और यहाँ पे एक वैग 7 SCR का विजयवाड़ा शिटका है। तो ठीक है गाइस आपको कैसा लगा यहाँ तक का जर्नी मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा, और आज का जर्नी में इस एक्ट को खेलकर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी मज़ा भी आया, और अगर आप लोग खेलोगे तो आपको भी मज़ा आएगा।
तो यहाँ तक देख लिए होगे तो आपको पसंद ज़रूर आया होगा वीडियो। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ भाई आपको पसंद आया है। तो लाइक ज़रूर से कर देना इस वीडियो को, और यहाँ पर अगर आप पहली बार एंट्री मारे हो तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एंट्री मारा है तो आपको इसका मतलब ट्रेन पर इंटरेस्ट है, और अगर ट्रेन पर इंटरेस्ट है तो मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा, आपको एंटरटेन करता रहूँगा, आपको ज़रूर मज़ा आता रहेगा इस गेम को देख के। ठीक है गाइस, अभी मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो पे, और तब तक के लिए सेफ रहें और सायोनारा और बाय।